हेलो दोस्तों, मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। इस वक्त मैं राजधानी रांची का ये हुसैन पार्क है, आपको दिख रहा होगा पीछे, ये हुसैन जाकिर पार्क। और इस वक्त का टाइम हो रहा है दोस्तों 12:30 बजे रात को, और रात को मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। और थंबनेल में आप देख रहे होंगे कि आखिर जयराम महतो आदिवासी कैसे बनेगा, आदिवासी कैसा बनेगा टाइगर जयराम महतो, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। पिछली वीडियो में आप सब ने कमेंट किया है कि आप लॉजिकली के साथ बताइए ताकि हम सबको समझ में आए। आज मैं थोड़ा विस्तार से बताऊंगा, डिटेल में मैं आप सबको बताऊंगा, आप शुरू से अंत तक देखिएगा आखिर किस तरह से जयराम महतो आदिवासी जनजाति में, समुदाय में सम्मिलित होगा, तो कैसे होगा, कौन कौन से क्राइटेरिया है, क्या क्या चीज़ों को फॉलो करनी होगी, इसके बारे में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ। आप सब ने देखा होगा पिछले कई दिनों से झारखंड के अंदर में 1932 कतियान से पहले ही टाइगर जयराम महतो अपने जनजाति को एसटी में, समुदाय में सम्मिलित करने के लिए सरकार से आवाज उठा रहे हैं। जैसा ही 1932 खत्म होने के बाद दोस्तों, आप सबने देखा होगा, आप सबने सुना होगा, रेल रोड चक्का जाम के तत्वाधान में रेल रोकने का भी काम हुआ है आदिवासी समुदाय में सम्मिलित होने के लिए। दोस्तों आप सबको जान करके चौंक जाओगे कि टाइगर जयराम महतो अर्थात पशनाथ पहाड़ पर धाड़ने वाले टाइगर जयराम महतो को ये समझ में आ गया है कि आदिवासी कभी हिंदू हो ही नहीं सकता। और जितनी भी हमारे झारखंड के जनजातियाँ जिस तरह से एसटी में सम्मिलित होने के लिए एक लोगों को एक जागरूक बना रहे हैं दोस्तों, ये आपको समझ होने वाली। और कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि झारखंड के जनजाति ही नहीं, पूरे इंडिया के जनजाति को आदिवासी में सम्मिलित होना ही सबसे महत्वपूर्ण समझा है। आखिर आदिवासी में जयराम महतो कैसे सम्मिलित हो सकते हैं? आप सबने देखा होगा पिछले कई दिनों से टाइगर जयराम महतो अपने प्रजाति को समझाने बतलाने में लगे हैं, और आज हम इसी के बारे में बताएंगे दोस्तों। नहीं, अभी जाएंगे घर दोस्तों, पुलिस वाले यहाँ सामने पे आ गया है। हम लोग बात कर रहे थे दोस्तों, टाइगर जयराम महतो को अपने प्रजाति को ये बतलाना होगा कि जितनी भी अपने पूर्वज के जिस विधि विधान में सिखाए गए चीज़ों को उल्लंघन करके अपने प्रजाति को ये संदेश देना होगा कि मंदिर की घंटा बजाने से उन्हें रोकना होगा यदि आदिवासी में सम्मिलित होना चाहते हैं, तो टाइगर जयराम महतो को ये करना पड़ेगा। और आप सब पिछले दिनों से जितने भी झारखंड में टाइगर जयराम महतो की जो भी विधि विधान आप सबने देखा है, आप सबने समझा है, और इससे ही लेकर के कई सारे लोग मानते हैं कि टाइगर जयराम महतो आदिवासी हो ही नहीं सकता है। लेकिन हाँ, यदि ऐसा चीज़ों को उल्लंघन करके अपने प्रजाति को ये दिखाना होगा, ये समझाना होगा कि हम आदिवासी इस टाइप से हैं और ऐसा बनेंगे, इस तरह से बनेंगे, ये अगर टाइगर जयराम महतो अगर करेंगे या फिर बतलाएंगे, तो कहीं ना कहीं टाइगर को हमारे जंगल में उसका स्वागत है। अर्थात पशनाथ पहाड़ पर रहने वाले टाइगर को झारखंड की जनजाति सूची में सूचीबद्ध होगी। अगर इस तरह का ऐसा ही तमाम रीति रिवाज विधि विधान अगर टाइगर अगर नहीं करते हैं, तो फिर आने वाले समय में कहीं ना कहीं अपने समाज को ठकने का काम होगा। तो ये छोटी सी जानकारी दोस्तों आपको कैसे लगी हमारा उबरता झारखंड में, ऐसा ही तमाम जानकारी के साथ अपडेट बने रहूँगा, तब तक के लिए बाय बाय।